हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विभिन्न नगर निगमों व नगर परिषद के पार्षदों के साथ वर्चुअल बैठक की, ताकि कोरोना की स्थिति के जायजे सहित उनकी राय ली जाए। सोलन नगर निगम के मात्र 4 पार्षदों ने भाग लिया, जिसमें से 3 कांग्रेस व 1 निर्दलीय पार्षद ने भाग लिया, लेकिन भाजपा के पार्षदों ने इस अहम वर्चुअल मीटिंग से दूरी बनाकर रखी, जो कि साबित करती है कि भाजपा के पार्षद अपने मुख्यमंत्री को कितना मानते हैं व अपने मुख्यमंत्री के प्रति कितने सजग हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में आते ही ताना मारते हुए कहा कि जो दिख रहे हैं उन्हें भी नमस्ते और जो नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी नमस्ते। आज जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी वो COVID-19 के थी, तो लोगों सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने सभी मेयर, डिप्टी मेयर, पंचायत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्षद सभी को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करें, टीकाकरण का उनको बताएं और सोशल डिस्टेंसिंग का बताएं, मास्क जरूर लगाएं और रश में ना जाएं, और ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम कोविड पेशेंट की कैसे हेल्प करनी है, वार्ड पार्षद को सबको जागरूक करना चाहिए कि लोगों को राशन पहुँचाएँ, उनको किसी चीज़ की दिक्कत है, दवाई चाहिए है, तो ये सब उनकी जो है हेल्प करें, इस बारे में आज हमारे साथ जो है सीएम साहब की मीटिंग थी। इस सबको इंटीमेशन दी गई थी, सबको ओपन लिंक किया गया था, लिंक से सब जोड़े गए थे। बस टीमें लगाई है, सैनिटाइजर कर रही है शहर में पब्लिक प्लेसेस पे, और हम जल्दी वार्ड वाइज भी शुरू करेंगे सैनिटाइजर का, और लोगों को डोर टू डोर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण कर रहे हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह।